अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल व्लॉग्स बाय इरम। और मैं हूँ इरम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ईद आने वाली है और सबको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती है कि ईद पे हमारा फेस जो है वो अच्छे से ग्लो करना चाहिए, हमारा फेस जो है वो अच्छे से शाइन करना चाहिए, ताकि जो ड्रेस पहना हो वो भी अच्छा लगे हमें पहना हुआ। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक फेस मास्क या फेस पैक कह सकते हैं वो लेकर आई हूँ। बहुत ही स्पेशल है और बहुत इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं और आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हम मास्क जो है वो बनाने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के साथ, जो कि है हमारे पास मेलन जूस, यानी कि तरबूज का जूस। इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसका नाम है ग्लूटाथायोन। तो वो क्या करता है, वो आपकी स्किन ब्राइटनिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रखता है। इसको आपने जितने दिन रह गए ईद में, आपने इसको डेली लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्ग्रीडियंट है वो है हमारे पास मेलन जूस, यानी कि तरबूज का जूस, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास हमें चाहिए होगी वो है दही योगर्ट। उसके बाद हमें चाहिए होगा मैदा वाइट फ्लोर, और इसके बाद हमें चाहिए होगा चावल का आटा राइस फ्लोर, ठीक है। राइस फ्लोर से एक और भी मैंने आपको मास्क बनाना सिखाया है, वो भी बहुत इफेक्टिव है, आप चाहें तो वो वाला भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक क्लीन बाउल चाहिए होगा हमें मास्क को तैयार करने के लिए। इसके अंदर ये मेरे पास स्पून छोटा है तो हम ज़्यादा डालेंगे, हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है इसके अंदर डालना है योगर्ट, दही। हमने नेक्स्ट चीज़ के अंदर ऐड करनी है वो है मेलन जूस, यानी कि तरबूज का जूस, वो भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। 3 से 4 चम्मच जो है वो मेलन जूस के हम ऐड करेंगे। राइस फ्लोर जो है वो हम अंदाजे से डाल रहे हैं, हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है राइस फ्लोर इसके अंदर ऐड करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो मैं मिक्स करने के बाद वापस आती हूँ जी। तो ये हमारा पिंक ज़बरदस्त सा पिंक मास्क बनकर तैयार हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। मैदा वाइट फ्लोर, अब वाइट फ्लोर जो है उसके अंदर भी लाइटनिंग ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप बेशक स्पून के साथ डाल लीजिएगा, ठीक है। तो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर डालना है मैदा। देखिए मैं इसको मिक्स कर रही थी तो ये बहुत थोड़ा सा हमारे पास जो है वो मैदा डालने की वजह से थोड़ा सा थिक हो गया है। तो हम क्या करेंगे, थिक का कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो आपके पास अगर मेलन जूस मज़ीद पड़ा हो तो आप वो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ अगर आपका थिक हो जाए मास्क, दही थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, या फिर ये तरबूज का जूस आप थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दें और इसको आप अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा पिंक मास्क बनकर तैयार हो गया है जी। जिस तरह का पिंक कलर का मास्क है ना, ऐसे ही आपकी स्किन को ये पिंकिश पिंकिश सा कर देगा, पिंकिश ग्लो देगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन को लाइटन कर देगा, ब्राइटन कर देगा, और आपका ईद पे जो है वो आपकी वाह वाह हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। आपने क्या करना है, इस मास्क को तकरीबन 20 मिनट के लिए अपने फेस पे, हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे अप्लाई करके छोड़ देना है, और उसके बाद आपने हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते हुए इस मास्क को नॉर्मल वाटर से आपने इसको वॉश कर देना है, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो पिंक मास्क की, ईद स्पेशल मास्क है ये। फीडबैक आप लोगों ने मुझे लाजमी देना है, मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूंगी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलें जी, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फी अमान अल्लाह।